हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? यहाँ अनिक स्कूल के लिए बना रहे हैं टिफिन, और टिफिन में आज है उसके ब्रेड सैंडविच। सैंडविच में है आलू, उबले हुए आलू और पनीर। उसको ग्रेटेड कर दिया था और उसमें नमक, मिर्च, काली मिर्च ये डाल के थोड़ा सा उसका मसाला बना दिया, और उसको ब्रेड को तवे में सेक के रख दिया। पर दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि जो क्लिपिंग थी वो खराब हो गई। मैंने बाद में देखी तो पूरी खराब हो चुकी थी। खैर, ये रेसिपी तो आप सबको आती होगी। ब्रेड सैंडविच था, उसको रख के उसको दोनों तरफ से सेक लिया और ये टिफिन तैयार हो गया। उठ गए आप? सोती उठ ही नहीं रही। मैं कहा अन्नी उठ जाओ, अन्नी उठ जाओ। देखो मैं पानी के छीटे जाता हूँ, उठ ही नहीं रही। अन्नी उठ जाओ ना, देखो मैं तो उठ के जंगल से होके भी आ गया। देखो उठो उठो, अरनी उठ जाओ, अरनी उठो तो आऊं। कहां उठे हो? उठा आऊं मैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और देखिए हमारा किचन में लंच का काम चल रहा है। आज बन रही है बैगन की लोगों सब्जी। के घर में सुबह के सुबह नाश्ते का काम होता है, पर हमारे यहाँ लंच का काम होता है। मतलब सुबह के वक्त लंच के लिए सब्जी मेरे हाँ, घर में मतलब खाना। ऑफिस जाने वाले, जैसे पूनम ऑफिस लेके जाएगी और हमारे हाँ लंच में काम आ जाएगी, और मैं हाँ इसके बाद बनाऊंगी ब्रेकफास्ट के लिए। कुछ सोच रही हूँ क्या कुछ नया बनाए। हाँ तो आज हम बना रहे हैं मीठे में, जिसमें गुड़वा हाँ दलिया बनाने की सोच रही हूँ मैं, कि बनाती हूँ गुड़वा दलिया। उससे अगर किचन फ्री हो जाएगा उसके बाद मैं सोच रहे हैं आज हम गुड़ वाला दलिया बनाएं। चीनी वाला दलिया तो खाते ही रहते हैं, और गुड़ वाला दलिया हमें एक बार कोई आगे रहता है। टाइम पे आ गई थी। चलो गुड़ सर्दियों में बहुत अच्छा होता है, गर्म होता है, उसमें क्या होता है आयरन तो बहुत अच्छा होता है। तो हमने और गुड़ का जो दलिया होता है ना, आप जरूर बनाना, बहुत टेस्टी होता है। वो नीरू बताएगी कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैं तो मीठा नहीं बनाती। सिंपल मीठी वाली चीजें होती है वो नीरू बनाती है, खीर हो, सूजी हो, सिंपल है, सिंपल उसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। सबका पर एक हर चीज सिंपल होती है, उसको तरीका कैसे है बनाने का कि लोगों को समझ आ जाए। और उसमें वो भी डालना नहीं दूँ क्या? कोकोनट पाउडर, उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अगर होगा तो डाल दें जी। है तो दोस्तों, यहाँ बन रहा है हमारा गुड़ का दलिया। तो गुड़, जैसे कि आपको पता है कि गुड़ तो बहुत अच्छा होता ही है, उसमें बहुत भरपूर मात्रा में आयरन होता है। और गुड़ हमेशा अगर एक दिन भी खाओ ना, रोज खा थोड़ा थोड़ा लो तो सेहत के लिए अच्छा होता है, आप में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती। और एक गुड़ का दलिया बनाना भी बहुत आसान है। दलिया को हल्के से देसी घी में भून लिया, और उसमें फिर डाल दिया हमने पानी। पानी उतना डालो जितना कि आपको चाहिए, गाढ़ा चाहिए, पतला चाहिए। और उसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा कोकोनट पाउडर, और फिर जो गुड़ था, गुड़ के जो टुकड़े कर दिए थे, इसको डाल दिया और उसको थोड़ा सा पका लिया। और ये इतना अच्छा होता है ना, न्यूट्रिशन से भरपूर होता है, फाइबर होता है और आयरन तो होता ही है इसमें। तो थोड़ी देर में बस, और इतनी जल्दी पकता है ना ये, बस एक सीटी लगानी होती, दो सीटी लगाओ और एकदम से आप, मतलब कम से कम मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे मुश्किल से। और देखो तैयार, कितना अच्छा लग रहा है, टेस्टी, यम्मी, बहुत अच्छा। और उसमें जो चाहे आप मिला सकते हैं, ड्राई फ्रूट मिला सकते हैं। तो आप भी आ जाइए नाश्ते के लिए, और एक बार जरूर बनाइए अपने घर में, और मुझे बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि आपको कैसा लगा ये। तो दलिया मैंने बना दिया है। दलिया बन रहा था तो मैंने सोचा तब तक पुदीना और धनिया 2 दिन से रखा हुआ है, दो दाके, कुछ आंवले थे वो भी सूखे थे, पहले के थे, उनको मैंने क्या किया, मैंने सोचा इनकी चटनी बना देती हूँ। हरी मिर्च भी बेचारी सूख गई थी, पर चीज़ें हम कुछ भी वेस्ट नहीं करते, सूखी मिर्चें ये भी काम आ जाएंगी। आंवला भी ख़राब हो रहा था, पर उसे काट वाट के से मैं बनाऊँगी चटनी। और यहाँ पर मैंने धनिया भी रख दिया है, मैं इसको चॉप करके रख दूंगी टिफिन के अंदर। तो चलते हैं किचन में, क्या हो रहा है अभी? आवाज़ कहाँ से आ रही है? मैं कर रही हूँ। क्या कर रही है? अच्छा, मुरमुरे। मुझे खाली भूख लग रही है, ये खा जाए, ये खा ली, भूख लग रही है, अभी काम करूँगी। चलो भाग पकड़ चुके, पतले पानी पकड़ा।
ये देखो ये रजाई रखी है कल से, धूप भी लग गई, रात की ठंड भी लग गई इसे। और ये मैंने आंवले बना रखा था ना गुड़ डाल के, देखो मैंने धूप में रखा है, अब तो धूप जा चुकी है। और ये मिर्ची का अचार। हे गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए स्कूल। और यहाँ पर ये अपने कुछ कुचर कुचर खा रही है, मुरमुरे खा रही है। भूख लग रही है, मुरमुरे। हाँ हाँ, अच्छा कुरकुरे हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं। अच्छा तो ये कपड़े वो लग जाए सोचा धोने के लिए, धोने के लिए है ना? नहीं नहीं, धोने के कपड़े तो नीचे रखे हुए हैं, वो जो मशीन में लगाने वाले कपड़े हैं। ये देखो ये कपड़े रखे हैं कल से, कल से यहीं पर ही हैं, इन्हें धूप लगाने के लिए रखा था और धूप तो लग गई में, पर उसके बाद ये रात से यहीं है। अभी आज फाइनल करूँगी। और यहाँ पे एडिटिंग का काम करती है, तो ये टेबल नहीं लगाती थी क्योंकि मैं आलस आता था कि वहाँ से टेबल लेके आएंगे, बेड में लगाओ फिर से, वो दूसरे वाले कमरे में रखी दी थी। क्योंकि ऐसे नीचे आप ऊपर बैठे हो, नीचे कम लैपटॉप में काम करते हो तो आपकी जो गर्दन है ना उसमें दर्द होता है, तो फिर मैंने ये यहाँ रख दी। एडिटिंग का काम इसमें करेगी। चलो चलते हैं अंदर देखते हैं। नहीं देखो मैंने चटनी का सामान सुबह सुबह ही रखा था, ऐसे होता बहुत कि सुबह सुबह जो काम हो जाते हैं दोस्तों वो हो जाते हैं, फिर वो ना ऐसे ही रहते हैं। मैंने चटनी के लिए हरी मिर्च लहसुन धनिया पुदीना सब धो के रखा हुआ था, मैं उसे मिक्सी में ग्राइंड करना था पर हुआ नहीं, मैं उसे आने के बाद ही करूँगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो शाम हो गई थी और यहाँ पर हमने कपड़े निकाल दिए थे और बहुत सारे कपड़े और के थे क्योंकि सर्दी में कपड़े मोटे होते हैं ना, जी पर होता है, नीचे के लोअर होता है पहनने का, स्वेटर होती है, तो वो अब हाथ से धो जाती है। और सर्दियों में तो खासकर वैसे कपड़े सर्दियों में ही होते इतने मोटे कपड़े, तो मशीन लगा दी थी और बट टाइम सेट कर दिया कि ये काम भी अगर हो जाएगा तो आधा काम पूरा हमारा समझो हो गया है। तो खैर मशीन लग गई हमारे यहाँ पर। तो शाम हो गई है, लाइट जलाते हैं, ये देखिए। और ठंड, इस वक्त तो ना बाहर से देखो ऐसे लग रहा है बेचारे पेड़ पौधों को भी ठंड लग रही होगी क्या, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, शायद बिस्तर से अभी निकली हूँ ना। शाम का ना दिन में खुरसा बना लो, उसी को शाम को खाओ। कुछ ऐसा छोटा मोटा हल्का फुल्का एक्स्ट्रा बना लो, पर ऐसा होता नहीं है ना। इस तरह की लौकी अगर मिले ना तो अवॉइड करना चाहिए, कड़वी होती है ये, कड़वी होती है, खराब होती है, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। हाँ दो लौकी ली थी दोनों ही खराब हुई। देखो मुँह में पानी आ रहा है आपके, सर्दियों में ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मूंगफली की पट्टी, ये बात है। मुझे इतनी पसंद है ये वाली, ये गजक भी पसंद मुझे, मुझे इतनी पसंद है ना, बाप रे मैं कितना भी खा लूँ उसको बहुत अच्छी लगती है, एक बार खुल जाए ना फिर ही खत्म हो जाएगी सारी। तो मुझे दो दिन तक ऐसे देखते रहे देखते रहे, मेरे दो दिन हो गए, अब हम इसे खा लेते हैं, फिर हम इसमें करेंगे अचार। तो लौकी तो हो गई है खा, अब हम क्या बनाएंगे? तो हम बनाएंगे सोयाबीन की बड़ी और चावल। यस, सोयाबीन की बड़ी बनाते हैं, चावल बनाते हैं। तो ये आरओ का पानी है जो हम कभी वेस्ट नहीं करते, ये पानी हमारे यहाँ आता है, इससे हमारे ये यहाँ पर सफाई पे के काम आ जाता है। और मेरा ये खत्म हो जाता है किचन का हैंड वॉश, तो हम डेटॉल भी लेके आ जाते हैं, ये बड़ा अच्छा है, पैकेट पूरा काम आ जाता है। मोटे काम कर लेती हूँ, उसकी यूनिफॉर्म प्रेस करनी है वो करूँगी। और ये हम आलू उबालेंगे, सुबह आलू के पराठे बनाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि हम एक दिन पहले ही तैयारी कर लेते हैं, अगर हमें प्लान हो कि
हमें कल क्या बनाना है। तो मैं अक्सर आलू बॉयल करके रख लेते हैं, मूली के पराठे रख लो, कद्दूकस रात को ही कर लेते हैं, और कुछ सब्जियां जो बहुत टाइम लेती है उनको भी हम रात में ही काट देते हैं। हे गाइस, देखिए यहाँ पर हो रही है खाने की तैयारी। आज हम बनाएंगे चावल, चावल तो मैंने चढ़ा दिए हैं, यहाँ बना रहे हैं सोयाबीन की बड़ी। हाँ देखा, नहीं नहीं अभी अभी खाएंगे ना, रात को तो खाएंगे। तो देखो दोस्तों, आप भी सुनो, बहुत अच्छी हरी मिर्च की और किसकी लहसुन की भी आ रही है, आंवले की भी आ रही है, पुदीना पुदीना है, धनिया है, बहुत अच्छी आ रही है। मुझे चटनी के साथ पराठे पसंद है। कितने सारे काम कर दिए हमने रात ही रात को। हमने ये काम ना हमेशा ऐसे ही करते हैं शुरू से ही, जब से मतलब हमने काम सीखना शुरू कर दिया था। हम शाम को ज्यादा काम करते, कपड़े धोना, मशीन लगाना, अगर मशीन नहीं थी तब भी हम शाम को करते थे ना नीरू, हाथ को हाथ से धोते थे कपड़े, जिससे कि सुबह हमारे लिए टाइम बहुत मिले। और सैटरडे संडे को मैं काम करना इस तरह पसंद नहीं करती थी। बिल्कुल, और सैटरडे संडे हम काम नहीं कर, ज्यादातर हमारे काम नहीं होते कपड़े धोने के या डस्टिंग, मतलब वैसे मोटे मोटे काम, डस्टिंग तो रोज ही होती है, पर कपड़े धोना जी उसी दिन सैटरडे संडे में होगा तो उसी दिन सफाई करेंगे, ये नहीं। हम वो काम हम पहले ही कर लेते हैं, इससे ये होता है कि सैटरडे संडे आपके लिए बहुत टाइम लेके आता है कि हाँ क्वालिटी टाइम जो होता है। तो यहाँ पर अन्नी के लिए दूध बनाया था हल्दी वाला, उसे थोड़ा सा पका दिया था क्योंकि इसके पैर में सबसे चोट लगी है, तो उसको रोज़ हल्दी वाला दूध देते हैं। दूध तो वैसे ही पीते हैं पर तो हल्दी डाल के पका के देते हैं, जैसे कि अंदर की चोट अगर है तो सूजन है वो सही हो जाए। और हल्दी वैसे भी एंटीसेप्टिक होती है, बहुत अच्छी होती है, और हर चीज़ में हल्दी बहुत काम आती है, चाहे वो खांसी हो तो भी आप उसे पका के दे दो, शहद में दे दो तो बहुत अच्छी होती है। तो खैर यहाँ पर काम भी हो गया अब सारा। दोस्तों देखो हमारा काम हो चुका है, खाना भी हम खा चुके हैं, और अभी रात के बज गए हैं, 10 बज गए हैं, और हमारा तकरीबन कल का आधा काम हमने हारा हो चुका है। तो न्यू अपना ब्लॉग बस अभी अपना ब्लॉग हम यही ख़त्म कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो दोस्तों ठंड लग रही है तो कंबल लेके बैठ गई मैं। हाँ। तो अगर इस रूम में आती हूँ तो ठंडा होता है ये रूम, तो कंबल लेके आ जाती हूँ मैं, तो यहाँ बैठ जाती हूँ, अच्छा लगता है कोजी कोजी सा। तो दोस्तों हम अपना ब्लॉग यही ख़त्म कर रहे हैं, कल मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में, आप हमारे साथ बने रहिए, और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कल मिलेंगे, शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, बाय बाय।